हेलो फ्रेंड्स, उपस्थित हूँ आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो सुनते हैं यह कहानी। अक्सर जब कोई छात्र अपने पढ़ाई या नौकरी करने के उद्देश्य से किसी अन्य दूसरी जगह पर आ जाता है, तो ऐसे में उन छात्रों को कई परेशानी से जूझना पड़ता है, जिसमें रहने की एक सबसे बड़ी परेशानी भी शामिल है। ऐसी परेशानी से निपटने के लिए तीन शख्सों ने मिलकर स्टार्टअप स्टार्ट किया। हम बात कर रहे हैं सुबह लाल, करण कौशिक और निधि कुमार के बारे में, जिन्होंने योर स्पेस के नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत करके छात्रों को दूसरे शहर में रहने में होने वाली सभी तरह की परेशानियों को कम करने का प्रयास किया है। और साथ ही आज कंपनी का टर्नओवर लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक है। तो चलिए जानते हैं यूआर स्पेस के फाउंडर के बारे में कि किस तरह उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और इस सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए किस परेशानी का सामना करना पड़ा। यूआर स्पेस के फाउंडर का कहना है कि उन्होंने अपना स्टार्टअप सन 2016 में शुरू किया था। यूआर स्पेस ने अपने शुरुआती दौर में $10 लाख की फंडिंग व्यवस्था एंजल इन्वेस्टर और HNSI की ओर से की थी। फंड की वजह से उनके स्टार्टअप में काफी बड़ा बदलाव किया गया, साथ ही कई और प्रॉपर्टी भी उन्हें अपने स्टार्टअप के साथ जोड़ता शुरू किया। वर्तमान समय में यूआर स्पेस के बिजनेस में 1200 कमरों सहित 11 प्रॉपर्टी उपलब्ध है। होटल के कमरों में रहने के लिए अच्छी व्यवस्था से लेकर हाउसिंग सेक्टर में छात्रों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनी की सलाह के मुताबिक रेजिडेंशियल सेक्टर के क्षेत्र में कंपनी पहले के मुकाबले आज काफी हद तक काम कर रही है। लोगों को या छात्रों को आज सभी प्रकार की सुविधा आसान बजट में उपलब्ध करवाने के लिए आज कई बड़ी कंपनियां काम कर रही है। रेजिडेंशियल सेक्टर की मांग भारत में बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। सुबह लाल का कहना है कि यूआर स्पेस के बिजनेस में शामिल प्रॉपर्टी का किराया प्रतिमाह 10,000 से 20,000 रुपए तक का है। छात्रों को रहने के लिए अच्छे और साफ सुथरे बेड की अच्छी व्यवस्था है, जो कि लोकेशन के आधार पर छात्रों को किराए में अधिक या कम ना देना पड़े। इसके अलावा छात्रों को बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता है, वह कमरे में रेंट भी शामिल होता है, जो कि छात्रों के लिए काफी फायदेमंद है। सुबह लाल, करण कौशिक व निधि कुमारी का कहना है कि वे कुछ ही वर्षों में इंदौर, जयपुर, कोटा और मैंगलोर में नई प्रॉपर्टी की व्यवस्था करेंगे। सन 2018-19 में यूर स्पेस कंपनी ने अपना रेवेन्यू 5 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तक कर दिया है। सुबह लाल के मुताबिक हर साल शिक्षा के नए क्षेत्र में शुरुआत की नई प्रॉपर्टी के साथ साथ छात्रों को रहने के लिए रूम्स और बोर्डिंग की अच्छी व्यवस्था की जाती है। उन्होंने अपने स्टार्टअप में सभी छात्रों को रहने के लिए को लिविंग की सुविधा भी की है। इसके अलावा उनके बिजनेस में छात्रों के लिए ताजा और अच्छे भोजन पानी की व्यवस्था है। कंपनी यूर स्पेस के द्वारा छात्रों के लिए कई अलग अलग तरह के गेम की व्यवस्था भी की जा रही है। कंपनी के फाउंडर का कहना है कि उन्होंने अपना बिजनेस पुणे, मुंबई, दिल्ली, NCR, जालंधर और चंडीगढ़ में फैलाया हुआ है। यहाँ पर रहने के लिए छात्र इंटरनेट के जरिए यूर स्पेस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज यूर स्पेस कंपनी द्वारा छात्रों व नौकरी पेशा व्यक्तियों की काफी बड़ी समस्या को हल किया है। दूसरे अनजान शहरों में रहना खाना हर व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या थी, जो आज ऑनलाइन बड़ी सरलता से दूर हुई है। लोगों व हर वर्ग के व्यक्तियों की समस्या को दूर करते हुए यूआर स्पेस अब ऐसे मुकाम पर है कि किसी हद तक अब लोगों की जरूरत बनता जा रहा है। आज कंपनी 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर हर साल कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी, हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को जरूर फॉलो करिए। साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।